अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको स्वाद और ज़्वाद कैसे हर एक लेटर में जोड़ा जाता है वो सिखाया है आपको। अब इस वीडियो में हम हर एक लेटर में तोय, जोय, आयन और गैन ये कैसे जोड़ा जाता है, कैसे ज्वाइन करके कैसे लिखा जाता है वो सिखाऊंगी। तो तोय और आयन तो मैं सिखाऊंगी आपको, लेकिन जोय और गैन सिर्फ पढ़ के दिखाऊंगी। लेकिन आपको घर पर जो है तोय, जोय, आयन, गैन सारा का सारा लिख के प्रैक्टिस करना है। और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक एक लेटर कम से कम आपको तीन तीन बार लिख करके प्रैक्टिस करना है। तो उससे क्या होगा कि अब जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द उर्दू पढ़ने आ जाएगी। क्योंकि अब हम एकदम एंड की तरफ है, अगले 3 से 4 वीडियोज़ में आपका 2 लेटर वर्ड फिनिश हो जाएगा। और आप बिल्कुल मेरे साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ चलिए, ताकि जैसे ही मेरा ये 2 लेटर वर्ड फिनिश हो, तो 3 लेटर वर्ड्स और 4 लेटर वर्ड्स जब हम स्टार्ट करें तो आप जल्द से जल्द उसको पिकअप कर सकें। ये ना हो कि हम 3 लेटर वर्ड्स में हैं और आप जो है फिर से आप कहें अरे मेरा तो अभी 2 लेटर वर्ड नहीं हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए इसको मेरे साथ साथ बिल्कुल। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हर एक लेटर में तोय किस तरीके से जोड़ा जाता है वो देख लेते हैं, और जोय मैं आपको पढ़ना सिखा दूंगी। तो सबसे पहले अलिफ और तोय, अत, फिर बे, तोय, बत, इस तरीके से, फिर पे, तोय, पत, ते, तोय, तत्व। थोड़ा सा इनमें साउंड का डिफरेंस होता है, ते होता है, तोय होता है, थोड़ा सा तोय जो होता है उस पे प्रेशर होता है। तत्व, ते, तोय, तत्, से, तोय, सत्व, जीम, तोय, जत, छे, तोय, चत, खे, तोय, हत, फिर खे इस तरीके से देख लीजिए, और ये तोय, खत, ये ऐसे ही इसमें ज्वाइन रहना चाहिए। खे, तोय, खत, फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूँ, तोड़ तोड़ के बिल्कुल इसको इस तरह से यहाँ छोड़ के, फिर यहाँ से तो इस तरह से लेंगे, ये इसमें जाके जॉइंट हो जाए इस तरीके से। खे, तोय, खत, दाल, तोय, दत्त, डाल, तोय, दत्त, जाल, तोय, जत, रे, तोय, रत, रे, तोय, रत, जे, तोय, जत, फिर बड़ा जे, तोय, जत। मैंने आपको कई वीडियो में, अपने हर एक वीडियो में मैं ये बोलती रही हूँ कि दाल, डाल, जाल, रेड़े, जे और बड़ा जे और वाव, इसको जोड़ना ही नहीं होता, और साथ में अलिफ को भी जोड़ना ही नहीं होता, इनको सिर्फ बगल में आपको उसके लेटर्स लिखने होते हैं। तो जे, तोय, जत, सीन इस तरीके से, ये देख लीजिए, और इसमें तोय, सीन, तोय, सत, बिल्कुल बड़ा शीन भी इस तरीके से, देखिए थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आता है, शीन, तोय, शत। मैं आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस कराती हूँ, आप इस तरीके से मत लिखिएगा, बिल्कुल इसी लाइन में और इसी में ऐसे, तो ये दिखने में अच्छा नहीं दिखता है। ये आप देखिए इसको प्रैक्टिस कैसे की जाती है लिखने की, ये थोड़ा सा ऊपर दोनों शोशे और ये थोड़ा सा नीचे, अब इसमें तोय को मिलाइए, तब आपका जो हैंड राइटिंग होगी वो लिखने में खूबसूरत दिखेगी। तो सीन, तोय, सत, और इसी में आपने नुक्ता लगा दिया, तो शीन, तोय, शत, तो सीन, तोय, सत, शीन, तोय, शत। फिर इसके बाद स्वाद, ये तो मैंने आपको डबल प्रैक्टिस करने के लिए, फिर स्वाद, तोय, सत, ज्वाद, तोय, जत, फिर तोय में तोय मिलाना, तोय, तोय, तत, फिर जोय, तोय, जत, आयन, तोय, अत, गायन, तोय, गत, फे इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ घुमाते हुए लेके जाना होता है ये सर्कल ऐसे इस तरफ से, फे, तोय, फत, काफ, तोय, कत, फिर काफ, तोय, कत, गाफ, तोय, गत, लाम, तोय, लतो,
मीम इस तरीके से नीचे की तरफ से, मीम तोय मत, नून तोय नत, वाव तोय वत, हे इस तरीके से तोय हत, फिर दो चश्मी है तोय हत, फिर ये तोय यत। तो यहाँ पे बच्चों हमने हर एक लेटर में तोय मिलाना सीखा। अब इसके बाद जोय को सिर्फ मैं पढ़ना सिखा रही हूँ, क्योंकि तोय और जोय में कोई लिखने में कोई फ़र्क नहीं, बस आप हर एक पे नुक्ता लगाते चले जाइए तो आपका तोय जो है वो जोय बन जाएगा। तो ये तोय हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद हम जोय कैसे पढ़ते हैं वो सीखेंगे, और लिखना तो आप तोय जैसे प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल वैसे ही जोय भी प्रैक्टिस करना है आपको। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो अलिफ जोय अज, बे जोय बज, पे जोय पज, ते जोय तज, टे जोय टज, से जोय सज, जीम जोय जज, चे जोय चज, हे जोय हज, खे जोय खज, दाल जोय दज, डाल जोय डज, जाल जोय जज, रे जोय रज, रे जोय रज, जे जोय जज, बड़ा जे जोय जज। इसमें और इसमें प्रोनंसिएशन में फ़र्क देखिए, ये जे है और ये जोय है। तो जे जोय जज, सज सीन जोय सज, फिर ये सीन के बाद बड़ा शीन, इसमें नुक्ता रहेगा नहीं तो ये सीन ही हो जाएगा। शीन जोय शज, स्वाद जोय सज, ज्वाद जोय जज, तोय जोय तज, जोय जोय जज, ऐन जोय अज, गैन जोय गज, फे जोय फज, काफ जोय कज, काफ जोय कज, गाफ जोय गज, लाम जोय लज, मीम जोय मज, नून जोय नज, वाव जोय वज, हे जोय हज, दो चश्मी हे जोय हज, ये जोय यज। तो यहाँ तक बच्चों हमारा हर एक लेटर में तोय और जोय मिलाना जो है ये फिनिश हो गया। अब उसके बाद हम हर एक लेटर में ऐन और गैन मिलाना सीखेंगे, बिल्कुल इसी वीडियो में सीखेंगे, इसी के तुरंत बाद। तो चलिए अब हम ऐन मिलाना जो है हर एक लेटर में सीखते हैं। ऐन जो है वो थोड़ा अलग से निकलता है, थोड़ा डिफरेंट, अ के जैसा उसका साउंड नहीं होता, अ के जैसा साउंड होता है थोड़ा। तो अलिफ ऐन अ, बे गैन बा, इसको देखिए इसका शेप इस तरीके से जाता है, पे ऐन पा, इसका ये शेप जो होता है ये अगर आप थोड़ा सा यहाँ से कर्व करके बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखता है। मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से, जैसे बे है पे ते टे से, नून भी इसी तरीके से, ये भी ये ऐसे थोड़ा सा इस तरफ, ये देखिए ये इधर है, ये इस तरीके से ऐसा थोड़ा, और यहाँ से फिर आप जब ऐसे जाएंगे और इस तरीके से इसको शेप देंगे तो जब भी आप उर्दू लिखेंगे तो दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन ये फ्लो फ्लो में अक्सर जो है ट्राइंगल ही बनता है। तो ये अलिफ एन आ, बे एन बा, पे एन पा, ते एन ता, इस तरीके से टे एन ता, से एन सा, जीम एन जा, चे एन चा, हे एन हा, खे एन खा, दाल एन दा, दाल एन दा, जाल एन जा, रे एन रा, रे एन रा, जे एन जा, जे एन जा, सीन इस तरीके से और उसमें एन, सीन एन सा,
शीन, इस तरीके से भी आप मिला सकते हैं, शीन आयन शा, स्वाद आयन सौ, ज्वाद आयन ज़ौ, इस तरीके से भी मिलाया जाता है, इस तरीके से भी ज्वाद एन ज़ौ, फिर से देख लीजिए एक बार, इस तरीके से भी आप मिला सकते हैं, ज्वाद एन ज़ौ, तोय एन तो, ज़ोय एन ज़ौ, आयन और उसमें आयन मिलाएंगे इस तरीके से, आयन 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 फे एन फा, काफ एन का, फिर से देख लीजिए, एन एन आ, गैन एन गा, फे एन फा, काफ एन का, काफ एन का, सॉरी काफ एन का, गाफ एन ग, गाफ एन ग, लाम एन ला, मीम एन मा, नून एन ना, वाव एन वा, वाज वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, वो एन से ही होता है, फिर हे एन ह, या इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से ज़्यादा सही माना जाता है, इस तरीके से हे आयन ह, दो चश्मी हे आयन ह, फिर ये और एन, इस तरीके से ये आयन या। तो ये हमारा हुर्फ़ में आयन मिलाने का तरीका, ये यहाँ पे फिनिश होता है। अब गैन वाला मैं आपको सिर्फ रीडिंग करके दे देती हूँ, और आप गैन को रीड करना सीखिए, और लिखना जो है बिल्कुल आयन की तरह ही आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप इस तरीके से ज़्वाद एन नहीं प्रैक्टिस कीजिए, यही तरीका सही है स्वाद और ज़्वाद को मिलाने की। अब इसके बाद जो है गैन मिलाना जो है हम देख लेते हैं रीड कैसे करते हैं। अलिफ गैन अग, बे गैन बग, पे गैन पग, ते गैन तग, टे गैन तग, से गैन स।